मां की आंखों के सामने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। रोती बिलखती हुई मां ने कहा कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रोती हुई मां ने अपने बेटे की हत्या की पूरी घटना बताई। जी हां, हम आपको बता दें कि 29 मार्च को होली के अवसर पर करनाल के कलंदरी गेट में हुए लड़ाई झगड़े में सरोज नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं मृतक सरोज के परिजनों ने बताया कि मृतक के छोटे भाई के साथ होली के दिन कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद उनका बड़ा भाई इस मामले में बातचीत करने गया तो 5 से 6 युवकों द्वारा उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया था, जिसको इलाज के लिए विर्क हॉस्पिटल में लाया गया। एक दिन इलाज के बाद आज उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि 29 मार्च को होली के दिन कलंदरी गेट में कुछ युवकों की आपसी लड़ाई में इस व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 1 या 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस मारपीट में अपने एक परिवार ने घर के चिराग को खो दिया है। मृतक अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। 10-12 लड़के आए, पहले तो छोटे वाले को मार गए। अच्छा। फिर उसके बाद ये बड़े वाले जो उसका भाई है बड़े वाला, वो पूछने गया वहां पर कि मेरे भाई क्यों मारे, पर उन्होंने पीछे से इस पे भी हमला कर दिया। किस चीज से? उन्होंने पता क्या सामान ले रहे थे सारे के सारे, हाँ वहाँ पर सब कुछ। इनमें लड़कों की एक फोटो भी है उनमें से। तो क्या हुआ उसके बाद? अब क्या हुआ? अब क्या उसकी डेथ होगी, सरोज की डेथ होगी। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? अब उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी काला है। क्या लगते हैं आप? बस भाई है मोहल्ले में वहीं से पहले मारे वहीं पर रह के गए 4 चप्पन गंदे। अब इतना आप क्या चाहते हैं? हम जल कार्रवाई करो, वो लोग पकड़ो, मुझे अंडा चाहिए। ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या नाम थे इनके, जिन्होंने मारा वो कौन है? पता नहीं, एक वो आते उसी गली में था, एक का नाम सुन एक सभी ने 8-10 ने सिर के ऊपर ही लठ मारने शुरू कर दिए, जिसके हाथ में जैसे कोई नहीं था, हमारा बच्चा मार के इसकी हत्या करी है। लाठिया जिसके हाथ में लपिंडे थे, लाठी थी, जो सड़िया था, रोड जो नहीं रोड जो भी था इनके हाथ में लाठिया थी, जो देखिए बिल्कुल मरने वाले का क्या नाम बता रहे? सरोज था। और दूसरे का? गोविंद भाई है। मेरे बेटा है सरोज के नाम, गोविंद है। क्या काम करते थे? ये रिक्शा चलाते थे सरोज। तो इनका मुझे 8:30 बजे फोन आया, तो मैं आउट ऑफ स्टेट थी, तो मुझे ये कहने लगी थी हमारे बच्चों को ना कोई घर में आके पीट रहा है और गेट के आगे बहुत मार रहा है, तो मैडम जी मेरे बच्चे बेहोश हो गए हैं, तो एक बार आओ। तो मैंने कहा काम नहीं, मैं बाहर हूँ और मैं सुबह आती हूँ, तो या मैं अभी चल पड़ूंगी जैसे भी है, और तुम इतना 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस को बुलाओ। तो इन्होंने फिर 1 मिनट इन्होंने 100 नंबर पे फोन किया, तो उसके बाद पुलिस जब आई, जब ये सब लोग अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल में दोनों लड़कों को लेके आ गए, तो बाद में पुलिस आती है, तो पुलिस आने के बाद इनके घर गई होंगी, उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में गई। तो इनके कहना है उस टाइम मैं नहीं पहुंची थी, मैं 9 बजे चल पड़ी, रात को 12:30-1 बजे मैं पहुंच गई थी इनके पास। तो उसके बाद इन्होंने जैसे ही पुलिस वालों को कहा, तो वहां पे जिन लड़कों ने मारा वो भी वहीं थे, वो भी लड़के वहीं थे, तो उन्होंने वो इनको धमकियां देने लग गए, भाई अभी तो जो हड्डियां टूटी हैं इनको जुड़वा लो, बाद में देखो तुम्हें कहां पहुंचाते हैं। तो फिर इन लोगों का कहना है कि ये कहने लगे, हमने पुलिस वालों को कहा सर जी देखो आपके सामने धमकी दे रहे हैं, भाई आप इनको धमक बिठाओ, पकड़ो इनको। तो ये लोग कहने लगे भी हमें उन्होंने धमकाया भी, आप क्यों ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तो मुझे कानून को आप सिखाओगे, आपके कहने से इनको बिठाऊंगा, अगर इन्होंने धमकी दी तो हमने भी इनको धमका दिया। पुलिस ने 4 के खिलाफ हत्या का दर्ज कर लिया मामला, पुलिस ने रात की बात की, उसके बाद बात हुआ, हमने पुलिस को 2:30 बजे फोन किया, वहाँ से
जब डॉक्टर ने इनको कर दिया, कल्पना में भी इनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पे लड़के की हालत इतनी खराब थी कि एक हॉस्पिटल है वहाँ पे कम से कम भी ब्लीडिंग तो रोकी जा सकती है। उन्होंने जैसे भी है कोई स्टिचिंग वगैरह की तो एक ML काट के दिया। तो लड़का मनोज था, उसको नीचे बुलाया गया, भी आप फॉर्मेलिटी पूरी करो। वापस जाने के बाद उसने कहा हमारा वो ML दो, तो उन्होंने वो भी गैप कर दिया। भी कहने पता नहीं, गॉड नोज इसके पीछे किसका हाथ है। हाथ है कि जो किसी का तो हाथ है, एक मिनट चुप, किसी का तो हाथ है जो उन्होंने हॉस्पिटल में वो ML भी गैप करवा दी। वहां पे कोई लड़का नोन था, उसको बोला, जिसकी मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने पिक करके फोटो खींच के दी। अब पुलिस वालों ने मांगा तो हमने कहा मनोज इसको कॉपी निकाल के दे दो। उसके बाद हमने उन्होंने रेफर कर दिया। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं ऑन दी वे हूँ, मेरी डॉक्टर से बात कराओ, भी इसका थोड़ा ट्रीटमेंट तो करें। डॉक्टर किसी ने बात नहीं की, हमने बात करी, ले जाओ तो हम पुलिस बुलाएंगे। इनका इनसे मिसबिहेव किया ये लोग। जैसे ही मैं एंटर की कल्पना चावला में तो इनकी गाड़ी ये लेके आ चुके थे। हम गए विरक हॉस्पिटल में, वहाँ उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, कोई राणा का नंबर था, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है भी आप इनका वो करो। कहते मैडम गए थे हम, घर भी गए थे, हॉस्पिटल भी गए थे, जाने के बाद हम अपनी कार्रवाई कर रहे भी जब तक हम। मैंने कहा इन्होंने कहा बंदे को पकड़ना था, तो कहते जब तक हमारी कार्रवाई ना होती तो हम किसी को नहीं ऐसे। तो आज इसकी मौत हो गई है, आज इसकी मौत हो गई है। फिर 4 बजे आए पुलिस वाले, उनके साथ हमने उनके लड़के के थोड़े बयान दिलाए। उसके बाद लड़के की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दिया। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई को? हम कार्रवाई चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए। देखो ये माँ की हालत है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, अगर एक जवान मौत हो गई है तो उसका इंसाफ तो चाहिए। तो कोई आपसी रंजिश चल रही थी इनकी? इनकी कोई रंजिश ऐसी तो नहीं थी। इनका छोटा बेटा वो आई-रिक्शा चलाता है गोविंद, उससे पिछले साल भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा उनका हुआ था। तो जब भी उसका सिर फाड़ा था तो मैंने ही सिटी में जाके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम नहीं, आपस में कंप्रोमाइज करवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपसदारी के तुम्हारे बिहारी भाई हो, कोई नहीं, इससे गलती होगी, माफी मांग रहा है, तो आप अपना केस वापस ले लो। उसी के चलते अब दोबारा वो दोबारा फिर एक साल बाद दिवाली को ऐसा कर दिया। कुछ बात हुए होंगे तो एक साल पहले उन्होंने गेट के सामने 10-12 बंदे मिल के इकट्ठे, तब एक दोनों बच्चों पे हमला कर दिए, तो सीधी सी आ रहे थे घर। किस किस को मारा? एक छोटा भाई है इससे उसको मारा, टांग पे मीट है, और इसको तो खत्म कर दिया उसी टाइम। ये तो दिल के तसल्ली के लिए। फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी गए कि चल भाई इसका वो करे, वो भी कार्रवाई ना किया मेरे बच्चों के, ना इसे कुछ करे ही नहीं। पुलिस वाले आए थे उसी टाइम, मैंने कहा बंदे सारे इकट्ठे थे उस टाइम, मैंने कहा ये सारे बंदे पकड़ो आप। मैंने किसी पकड़ा? उन्होंने पकड़ा नहीं, कहते आप मुझे कानून पानी सिखाओगे, आप कानून पानी सिखाओगे मुझे, मैं पकड़ू या ना पकड़ू। उस टाइम इनके आगे से सारे बंदे चले गए, इन्होंने कोई मतलब गड़बड़ी उस टाइम नहीं किए। फिर उसके बाद दूसरे दिन बाद मैडम को बुलाया, फिर मैडम ने पुलिस वालों को बुलाया, तब ने कार्रवाई किया। ये मैडम जी है, नहीं तो मैडम जी को। ये क्या मामला है, जो कहाँ का लड़का है जिसकी हत्या हुई? ये बिहार का है, वैसे करंट गेट की तरफ रहते। अच्छा, क्या था मामला, क्या पूरा मामला? तो ऐसा है, भूमिगत खेल गल का था। अब जैसे मैटर आया है झगड़े झगड़े का, तो उसमें 2 भाईने में है और 2 अन्य, मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ जारी। तो किस धारा में मामला दर्ज हुआ है? अब 302 याद कर दी गई मरने के बाद, हत्या केस दर्ज कर। हत्या केस दर्ज। कितने लोगों के खिलाफ? चारों के खिलाफ। चार के? 2 भाईने में है, 2 अन्य। कोई हिरासत में लिया अभी? हाँ, हिरासत में, पूछताछ कर रही है। पूछताछ चल रही है, लिया है दो, ठीक है, पूछताछ। तो आज क्या किया जाएगा? आज पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी दे दी, डेड बॉडी वर्सन के हवाले कर दी जाएगी और कार्रवाई जल्दी गिरफ्तारी होगी। जल्दी से परिजन आरोप लगा रहे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की ठीक से। नो, पुलिस जो जांच कार्रवाई बढ़ती कर रही है, कर रही है, ठीक है। पहले 307 लगाई थी? हाँ, पहले 307 थी, अब सिंधत होने की बात सब हो जाती। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 32 साल। दूसरे भाई को भी चोटें लगी? हाँ, उसको भी चोट लग गई है, उसको ब्लंट से उसके बयान से पता चलता है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।